सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही मेरी, सुनाई दे रहा है आपको? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मैं कमेंट में देख पा रहा हूँ। जी हाँ, कैसे हैं आप लोग? सो नेशनल पार्क का आज अंतिम लास्ट पार्ट होगा और 8th, इसके पहले 7 अलग जो डिविजन्स हैं, मतलब जितने भी हम लोगों ने पार्ट से दी हम लोग देखें, तो वो मैं आपको कवर करा चुका हूँ। और इसके बाद में जो है, मतलब इसके पहले आपको 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे कुछ पार्ट्स मिल जाएंगे। इसकी आपको एक प्लेलिस्ट मिल गई। और आज दक्षिण के जो सिर्फ बचे हुए नेशनल पार्क्स हैं, केरला, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग द टाइगर रिजर्व। कल तक की क्लास में आप लोगों ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक और याद आ रहा है, हाँ वेरी गुड, तेलंगाना, इनको हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे आगे वाले। इसके साथ साथ अनअकैडमी पर जो है आप लोग 14 to 16 मार्च, यानी आज लास्ट डे है, इस डिस्काउंट कोड से SGYT लाइव से आप डायरेक्ट 20% ऑफ ले सकते हैं अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शंस में। और आज से ही नए बैच भी प्रारंभ हुए हैं। आप सब्सक्रिप्शन के दौरान जो है टेस्ट सीरीज़ का भी डिफरेंट अलग से एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यदि आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लगाना चाह रहे हैं तो। और नए बैच जो प्रारंभ हो रहे हैं वो आज ही से प्रारंभ हुए हैं, जी हाँ, 16 मार्च। और इन बैचेस के माध्यम से आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ जो है लाइव पढ़ सकते हैं। इन बैचेस के माध्यम से आप सारा सिलेबस कवर कर पाएंगे और इसके अलावा भी आप जितने भी एजुकेटर्स हैं उनके इंडिविजुअल कोर्सेज भी देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सिलेबस। ठीक है, कल तक की क्लास में यदि हम लोग पढ़ें और कल तक की क्लास को ऑब्जर्व करें, तो ये मैंने आपको तेलंगाना वाला डायग्राम याद होगा, जिसमें मृगावनी और महावीरा, हरिणा वनस्थली और कसु ब्रह्मनानंदा रेड्डी नेशनल पार्क तो पढ़ लिया था, लेकिन इसमें टाइगर रिजर्व बड़े इंटरेस्टिंग जो कि याद रखने थे। एक कवल बताया था और एक इधर अमरावत नाम का याद करवाया था आपसे, तो ये सब आई थिंक आपको याद होगा। ठीक है, इसके बाद में मध्य प्रदेश वगैरह भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। मध्य प्रदेश के बाद में कर्नाटक में भी आ गए थे, काफी कुछ इसमें जो है इन्फॉर्मेशन थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज देखी थी हमने, लॉयन टेल्ड मैकॉक, इंडेंजर्ड स्पीशीज, वेस्टर्न घाट में एंडेमिक थी। तो ये कल वाले पार्ट में आप सारी चीजें याद रख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है, आज भैया नेक्स्ट हेडिंग बना लेना, सबसे पहले केरला। तो आप लोग ये दक्षिण भारत को इमेजिन कर सकते हैं और ये केरला है, मान लीजिए। ठीक है, दिस इज केरला। और केरला को हम लोग यहाँ से शुरू करके बिल्कुल नीचे तक जाने वाले हैं। तो इसमें जो एकदम नीचे आपको ये पेरियार नेशनल पार्क दिखेगा, इधर आई थिंक दिख रहा चाहिए, नहीं भी दिखे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पेरियार। वो बिल्कुल एकदम यहाँ पर है, मतलब इधर दक्षिण में मिलेगा आपको। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब टर्म्स जो है कुछ दिखेंगे नहीं आपको, जैसे मान लीजिए, तो मैं बिल्कुल क्लियरली उसको लिख भी दूंगा, तो इससे जो है जी हाँ दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ एकदम नॉर्थ में, मतलब ये लगभग यहाँ पर आपको याद रखना है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क सबसे पहला केरला का। ठीक है, महत्वपूर्ण अपने आप में, बहुत डायरेक्ट सवाल काफ़ी बार इससे आप लोग देखेंगे कि आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है, जी हाँ। उसके बाद में साइलेंट वैली के बाद जैसे ही आप लोग थोड़ा सा साउथ में आ जाते हैं, तो आपको एक दिखाई देगा अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इसको, अनाईमुड़ी शोला, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अनामुड़ी शोला। शोला नाम का ये, मतलब शोला वर्ड कहाँ से आता है ये? तो शोला स्पेशली केरला में जो फॉरेस्ट एरिया, उनके लिए हम लोग ये डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये अनाईमुड़ी शोला को याद रखना है आपको। नेक्स्ट वन इज एराविकुलम नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, एराविकुलम। सो एराविकुलम नेशनल पार्क को याद रखना है। इसके बाद में पंपादुम शोला, पंपादुम शोला, पंपादुम शोला नेशनल पार्क। नेक्स्ट वन इज मैथिकेट्टन शोला, मैथिकेट्टन शोला। शोला, शोला वर्ड काफी है, शोला मतलब फॉरेस्ट एरिया है ना, ये बार बार इसलिए शोला वर्ड याद हो रहा है। ठीक है, जी हाँ। सो इसके बाद में नेक्स्ट वन इज, और आप आगे जाएंगे तो पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क। तो सबसे नॉर्थ से शुरू करेंगे हम लोग, साइलेंट वैली। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बाद में अनाईमुड़ी, वैसे तो ये इंडियन ज्योग्राफी में माउंटेन के नाम से आप पढ़ ही लेते हो। अनाईमुड़ी के बाद में एराविकुलम नेशनल पार्क, पंपादुम शोला, मथिकेट्टन शोला, पेरियार, 4-5 बार पढ़िएगा, आराम से याद हो जाएगा। और कल की क्लास याद आ रही होगी आपको, एक चीज मैंने ये भी सिखाई थी कि ये जितना आप ऊपर जा रहे हो, जितना नॉर्थ में जा रहे हो, साइलेंट वैली मतलब इनडायरेक्टली आप नीलगिरी की तरफ जा रहे हो, तो नीलगिरी का पार्ट बताना हो आपसे पूछे कि पेरियार तो जो है वो नीलगिरी का पार्ट है, तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि नीलगिरी नॉर्थ में है और पेरियार साउथ में है। मतलब यहां पर कुछ यदि नेशनल पार्क वगैरह है तो भी हम उसको कह भी सकते हैं एक बार, ठीक है। तो पेरियार तो काफी ज्यादा नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। सो एक बार अच्छे से याद रखना है। देखिए साइलेंट वैली, साइलेंट वैली के बाद में एराविकुलम, अनाईमुड़ी, पंपादुन शोला, मथिकेट्टन शोला, चार पांच बार बोलेंगे याद हो जाएगा। शोला इज द कीवर्ड, पंपादुन शोला हो जाएगा, मथिकेट्टन शोला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नीचे पेरियार अलग पढ़ लेना, ऊपर साइलेंट वैली याद पढ़ लेना, अनामुड़ी आपको वैसे भी पता है, मथिकेट्टन, पंपादुन ये सब बहुत कॉमन शब्द हो जाएंगे, दो तीन बार बोलोगे याद होना ही होना है। लेकिन इसमें काम की चीज ये है कि यदि आप लोग केरला को ऑब्जर्व करेंगे तो पेरियार और पराम्बिकुलम नाम सुनोगे, मतलब ये हुआ कि टाइगर रिजर्व के नाम से यदि आप थोड़ा सा देखेंगे तो इसमें बहुत काम की चीज एक पूछी जा सकती है। ध्यान से सुनना, क्या बताया मैंने आपको, पेरियार मतलब आपको बिल्कुल यहां नीचे आना पड़ेगा, पेरियार, पेरियार ये अपने आप में टाइगर रिजर्व है, और जो सेकंड वन कह रहा है पराम्बिकुलम, पराम्बिकुलम ये आपको यहां क्लियरली दिखना चाहिए, पराम्बिकुलम, पराम्बिकुलम। अब उन्हें पता है कि लर्नर पढ़ते समय बहुत ज्यादा बार रिवाइज कर लेते हैं कई बार, तो ये बहुत कॉमन शब्द वैसे याद हो जाते हैं। लाइक साइलेंट वैली बहुत फेमस है, ठीक है, साइलेंट वैली अक्सर पढ़ते रहते हो आप, अनाईमुड़ी अक्सर पढ़ते रहते हो, अभी एक दो बार में मथिकेट्टन शोला, पंपादुन शोला और ये एराविकुलम तीन चार बार बता दूंगा मैं, इतनी बार पढ़ लेते हैं। और अब कोई पूछ ले कि ये क्या टाइगर रिजर्व है क्या, नहीं, एक बार कंफ्यूजन साइलेंट वैली को लेकर बहुत हो सकता है, बट ध्यान रखना साइलेंट वैली में टाइगर साइलेंट रहेगा भैया, यहाँ टाइगर रिजर्व आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। सो पराम्बिकुलम शोला को अच्छे से पढ़ना है अपने को, ये एक टाइगर रिजर्व होगा, और इधर पेरियार, मींस केरला में अपने को दो टाइगर रिजर्व याद रखने हैं, पराम्बिकुलम और सिर्फ पेरियार। मतलब आपसे यदि वो सिर्फ इतना कह दे कि क्या अनाईमुड़ी वाला जो रीजन है, पंपादुन शोला जो है, मथिकेट्टन शोला जो है और एराविकुलम जो है, साइलेंट वैली जो है, क्या टाइगर रिजर्व है, तो नहीं, पराम्बिकुलम याद रखना है और पेरियार याद रखना है बस, जिसमें साइलेंट वैली तो नहीं रहेगा बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद में ये दो टाइगर रिजर्व अपने को याद रखने, कुछ काम की चीजें जैसे जो एराविकुलम नेशनल पार्क था, याद करिए कहाँ था एराविकुलम नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क जी हाँ ये वाले रीजन में, इसमें या इससे रिलेटेड या केरला या वेस्टर्न घाट कुछ भी पूछ ले, चाहे वो वेस्टर्न घाट पूछ ले, वेस्टर्न घाट पूछ ले, केरला का रीजन पूछ ले, नीलगिरी के रीजन पूछ ले, इसको अच्छे से पढ़ लेना। नीलगिरी तहर इंडेंजर्ड स्पीशीज लिख लीजिए भैया इसको, नीलगिरी तहर इंडेंजर्ड स्पीशीज, बहुत काम की चीज है ये, इसको अपने को याद रखना पड़ेगा। नीलगिरी तहर, ऐसे ही बहुत सारे तहर आपको मिलेंगे, गोट जैसी दिखाई दे रही है बिल्कुल, जी हाँ। अब याद रखना ये नीलगिरी तहर को कल को बोले कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में कॉमनली देखी जा सकती है। वेस्टर्न घाट से कंफ्यूज हो जाओगे, वेस्टर्न घाट के नॉर्थ वाले में कम है ये, दक्षिण में आना है नीलगिरी रीजन। मतलब वेस्टर्न घाट हमें मालूम है कि वेस्टर्न घाट के एरिया है, मतलब आप लोग इसको बहुत आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो कि सर ये वाला क्षेत्र तो वेस्टर्न घाट का, लेकिन नीलगिरी इधर है सर दक्षिण में, ऊपर भी जाओगे तो थोड़ा सा आंसर गलत की तरफ चला जाएगा, ईस्टर्न घाट में आंसर गलत की तरफ चला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन में गलत की तरफ, ऊपर गलत 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 सब गलत, सिर्फ नीलगिरी वाले रीजन को याद रखना। मतलब एक तो एंडेमिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, की स्टोन स्पीशीज आप कह सकते हो, यदि ये नहीं रहे तो पूरे इकोसिस्टम में जो है एक बैलेंस जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो फूड चेन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, खाद्य श्रृंखला में। नीलगिरी लंगूर है, पर ठीक है मन करे तो पढ़ लीजिएगा, आंखें नहीं दिख रही हो तो मैं दिखा देता हूं, यहां पर है और ये वल्नरेबल स्पीशीज है, पर उससे पहले आपको ये नीलगिरी तहर को याद रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वन राउडचेस्टिस रेस्प्लेंडेस, ये जो है भैया एक फ्रॉग है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। आधे टाइम तो ये भी समझ में नहीं आएगा कि ये लिखा क्या है, तो राउडचेस्टिस रेस्प्लेंडेंस को याद रखना है अपने को, राउडचेस्टिस रेस्प्लेंडेंस जी सर, दो तीन बार बोलेंगे याद हो जाएगा, घबराना नहीं, नहीं तो बोले ये पहले तो याद ही नहीं है कि भैया ये नाम क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फ्लावर बर्ड, नहीं तो थोड़ा ध्यान रखना कि ये कुछ एम्फीबियन की कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है, ऐसे याद रखेंगे इसको। वल्नरेबल नहीं है ना इंडेंजर्ड है, ये क्या है सीआर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब काफी ज्यादा संवेदनशील, अत्यंत संवेदनशील। नीलगिरी मार्टिन वल्नरेबल स्पीशीज है, जी हाँ कोई बर्ड नहीं है ध्यान रखना, नीलगिरी माउंटेन देखकर आपको याद हो सकता है, वैसे काफी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है ये। जी हाँ, तो इसको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है अपने आप में, भूलना नहीं, ठीक है। बाकी तो इसको कोई दिक्कत नहीं, ना भी पढ़ोगे तो। साइलेंट वैली याद आ रहा होगा, केरला में ऊपर पढ़ाया था सर ने, जो कि टाइगर रिजर्व नहीं था। हाँ भैया, इंडियन पेंगोलिन को अच्छे से पढ़ना है, इंडेंजर्ड स्पीशीज इंडियन पेंगोलिन। अब दो पेंगोलिन है सर, एक इंडियन पेंगोलिन मिलेगा और एक चाइनीज पेंगोलिन मिलेगा। तो चाइनीज पेंगोलिन से घबराना नहीं, इधर नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलेगा चाइनीज पेंगोलिन। इधर अरुणाचल प्रदेश के उधर आप चले जाइएगा, इधर असम वगैरह के उन रीजन में, तो उधर चाइनीज पेंगोलिन मिलेगा, चाइना की तरफ चाइनीज। दक्षिण भारत में इंडियन पेंगोलिन, ये इंडेंजर्ड है, वो आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड दिखाई देगा। दोनों में डिफरेंस है, ये इंडेंजर्ड है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब चाइनीज पेंगोलिन जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अत्यंत संवेदनशील है। और इंडिया का आप ऐसे याद कर लो कि अब उसके कंपैरिजन में कम खतरे में, इस तरह से। और साइलेंट वैली की लोकेशन आपको पता ही है कि सर ये आपने यहाँ कहीं ऊपर बताई थी, ऊपर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है सर, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट रहने वाला है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब कल से यदि आप ऑब्जर्व करें कल की क्लास को, तो नागरहोल, बांदीपुर याद करो, साइलेंट वैली, ये नेशनल पार्क जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है। हालांकि बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाऊंगा तब आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, याद रखना। दूसरी चीज, कितना अच्छा पॉइंट है कि कल पड़ी हुई चीज आज भी काम आ रही है, कि साइलेंट वैली वाला जो एरिया है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन लेकर बैठा है लॉयन टेल्ड मैकॉक की। अब लॉयन टेल्ड मैकॉक पता है कि नहीं आप लोगों को, कल वैसे मैंने बता दिया था, एक मिनट उसकी इमेज और दिखा देता हूँ। ये है भैया लॉयन टेल्ड मैकॉक की जनसंख्या आपको साइलेंट वैली वाले, मतलब कल भी हमने यही बात डिस्कस भी करी थी कि दक्षिण में वेस्टर्न घाट से रिलेटेड इसका कनेक्शन रहेगा, लॉयन टेल्ड मैकॉक। और इसमें जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो साइलेंट वैली नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लॉयन टेल्ड मैकॉक। और कुंतीपुजा नाम की नदी जो है वो आप लिख सकते हैं, ये कुंतीपुजा रिवर नाम जो है आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो साइलेंट वैली नेशनल पार्क को याद रखना है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से संबंध रख रहा है, महत्वपूर्ण है अपने आप में, और ये अपने आप में लार्जेस्ट पॉपुलेशन। और इसके बाद इंडियन पेंगोलिन, कल को कोई बोले कि चाइनीज पेंगोलिन का क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज है, हैबिटेट दक्षिण भारत में न लेके उसको आप नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में ले जाइएगा, ठीक है। इसके पहले वाला क्या पढ़ाया मैंने आपको, नीलगिरी मार्टेन, राउडचेस्टर रेस्प्लेंडेंट, भूलना हो सब भूल जाना, इसको मत भूलना, क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज। नीलगिरी तहर बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है सर ये भी, जो कि एराविकुलम में आप पढ़ सकते हैं। और मन करे तो पेरियार, अब याद करिए, इमेजिन करिए सर पेरियार आपने साउथ में पढ़ाया था और एक टाइगर रिजर्व भी था, तो टाइगर तो मिलना ही मिलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, टाइगर तो जो है सब देखने को मिलेगा। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज इंडियन एलिफेंट। इंडियन एलिफेंट यहाँ मिला, कल से मिलना शुरू हो गया था, नागरहोल, बांदीपुर, पेरियार, दक्षिण में आपको एलिफेंट मिलना है। एलिफेंट मतलब जो बचपन से देखेगा जानवर, उनकी कैटेगरी इंडेंजर्ड ही आपको दिखाई देगी, चाहे आप टाइगर ले लो, लॉयन ले लो। जी हाँ, तो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है। इसके बाद में सलीम अली फ्रूट बैट यहां पर देखने को मिलने वाला है, इंडेंजर्ड स्पीशीज, सलीम अली फ्रूट बैट। सलीम अली कौन है भैया बताइए, ऑर्निथोलॉजिस्ट। जी हाँ, तो चलो ये तो बेसिक चीज है जो कि पता होनी चाहिए, लेकिन काम की चीज आपको पता है। यदि आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़े तो आपको मैंने एनएसी वर्ड बार बार सिखाया, एन मतलब नीलगिरी, ए मतलब अन्नामलाई, सी मतलब कार्डमम, और ये भी नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। तो कार्डमम, इलायची की पहाड़ियों का संबंध किस नेशनल पार्क से है, तो पेरियार नेशनल पार्क से है। अब यदि आप लोगों ने थोड़ा मैप वगैरह पढ़ के रखा होगा ना, ज्यादा दिक्कत नहीं है, मतलब नीचे याद रखना कार्डमम है। और जिनको नहीं पता है, वैसे भी मैं जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो कार्डमम हिल्स आप पढ़ सकते हैं, पंदलम हिल्स पढ़ सकते हैं, कोई पूछ ले तो एटलीस्ट पता रहे कि कुछ केरला के क्षेत्र की तरफ है। हालांकि दोनों की बॉर्डर पर है ये, मतलब ये आप देखेंगे तो ये बॉर्डर पर मिलेगी ये हिल्स, कार्डमम, पंदलम वगैरह। काफी महत्वपूर्ण पेरियार नाम इसीलिए भी है क्योंकि पेरियार नाम की वहां पर रिवर आपको देखने को मिलेगी, पेरियार पेम्बा, पेरियार नाम की रिवर, पेरियार और पेम्बा दोनों को अच्छे से याद रखना है, पेरियार पेम्बा। सो पेरियार और पेम्बा, सो पेरियार पेम्बा रिवर जो है याद रखना, भूलना नहीं है। इसका संबंध जो है साइलेंट वैली से है, नहीं दक्षिण में पेरियार में जाना पड़ेगा। क्या इसका संबंध नीलगिरी से है, झूठ, नीचे है कार्डमम। कुछ ऐसे ही मैप बेस्ड सवाल जो है वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारी केरला की, जिसमें आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं। सबसे पहले साइलेंट वैली नेशनल पार्क, उसके बाद में सीधा अनाईमुडी नेशनल पार्क, एराविकुलम, पंपादुन, मथिकेट्टन और पेरियार। और टाइगर रिजर्व के नाम से सिर्फ पेरियार और पराम्बिकुलम अलग से है, पराम्बिकुलम अलग से है, कोई नेशनल पार्क नहीं था, अलग से सिर्फ टाइगर रिजर्व है। इसके बाद में फिर एराविकुलम में आप लोग नीलगिरी तहर को रख सकते हो, नहीं लिखा हो तो लिख लेना, लकोम वाटरफॉल भी लिख सकते हैं आप लोग, लकोम वाटरफॉल। इसके बाद में आगे जैसे बढ़ेंगे तो राउट चेस्टर रेस्प्लेंडेंस, नीलगिरी मार्टिन, ये सब बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये मैं लिखा चुका हूं आप लोगों को। साइलेंट वैली में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये मैप से आप कर सकते हैं, ऊपर था साइलेंट वैली, नीलगिरी रिजर्व भी ऊपर ही रहेगा। उसके बाद में लॉयन टेल मैकॉक तो मिलेगा, इंडियन पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड मत करना, इंडेंजर्ड है ये, क्रिटिकली इंडेंजर्ड सीआर चाइनीज पेंगोलिन है। और पेरियार कार्डमम से संबंध है, सलीम अली फ्रूट बेट को पढ़ना ही पड़ेगा, इंडेंजर्ड कैटेगरी इंडियन एलिफेंट, पेरियार और पम्बा नाम की नदियां, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी याद रख लीजिएगा। नाउ अब इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग इज तमिलनाडु। तमिलनाडु, सो तमिलनाडु को जरा ऑब्जर्व कर लो तो एटलीस्ट समझ में आ जाएगा, मैं लिखवा दूंगा सब। तमिलनाडु को जरा ध्यान से लिखना। सबसे पहले आप लोगों को एक नेशनल पार्क ऊपर ना दिखाई दे तो मैं लिखवा देता हूं, एकदम ऊपर मिलेगा, नाम है GUINDY, गुइंडी नेशनल पार्क। सबसे पहला गुइंडी नेशनल पार्क, सबसे पहला गुइंडी, GUINDY, गुइंडी नेशनल पार्क। सबसे बिल्कुल कॉर्नर में नॉर्थ में मिलेगा गुइंडी नेशनल पार्क। गुइंडी नेशनल पार्क के बाद में, जी हां, गुइंडी के बाद में नेक्स्ट वन लिखेंगे आप मुदुमलाई नेशनल पार्क। मुदुमलाई, क्या लिखेंगे? मुदुमलाई, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई, मुदुमलाई, मुदुमलाई के बाद में मुकुर्ती, उसके बाद में मुकुर्थी, मुदुमलाई इसके ऊपर है, मुकुर्थी। सो मुकुर्थी के बाद में मृगावनी, कहां पढ़ा है हमने? मृगावनी, ये तो मुकुर्थी है, मृगावनी कहां, बताओ जल्दी बताओ जरा, कल भी तो मैंने बताया था कहां था ये मृगावनी, हाँ कहां था भैया? ठीक है, तेलंगाना में। चलो, तो मैंने कल भी यही कहा था, प्लीज ध्यान रखना, ये मुकुर्थी है और हम तमिलनाडु के नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं, और एक मृगावनी वो हमने तेलंगाना में पढ़ चुके हैं, वो अलग है। सो मुकुर्ती याद रखना, मतलब मैंने अभी 3 लिखवा दिए हैं, एक गुइंडी बता दिया है, दूसरा यहां लिख देता हूं और क्लियरली आपको लगे तो, ये गुइंडी है, उसके बाद में मुदुमलाई है, उसके बाद में ये मुकुर्ती बताया है, मुकुर्ती के बाद में अनामलाई, ज्यादातर मलाई शब्द आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अनामलाई, ANAMALAI, अनामलाई, अन्नामलाई को याद रखना है, भूलना नहीं है, अन्नामलाई। अन्नामलाई के बाद में इधर एकदम दक्षिण में आना पड़ेगा भैया, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। फिर से एक बार और इधर दोबारा देखेंगे, सबसे ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है वो कौन है? गुइंडी नेशनल पार्क, गुइंडी। गुइंडी के बाद में जो है मुदुमलाई, मुदुमलाई, मुदुमलाई ये ऊपर है, नीलगिरी के नजदीक है। फिर आएगा मुकुर्ती, फिर अनामलाई और फिर ये गल्फ ऑफ मन्नार, गुइंडी ऊपर है, ठीक है। तो पहले तो नाम थे नेशनल पार्क के। अब इसमें क्या है सर, वो टाइगर रिजर्व पूछेगा कि कौन से टाइगर रिजर्व है कौन से नहीं है करके, तो उससे जो है परेशान होने की इतनी आवश्यकता नहीं है। एक बार हम लोग जो नेशनल पार्क पढ़े उसमें टाइगर रिजर्व को भी जरा कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखो, मतलब ऐसे परेशान मत होना, अन्नामलाई मैच कर लेना, टिक लगा लो, मुदुमलाई पे टिक लगा लो, पहले तो 2 मैंने पढ़ाए हुए हैं, अन्नामलाई और मुदुमलाई, मतलब गुइंडी नहीं है, मुकुर्ती नहीं है, और ना उधर गल्फ ऑफ मन्नार है, वहां पानी में क्या करेगा। तो पहले ये 2 मार्क कर लेना। 2 मार्क कौन से करने हैं प्लीज ध्यान से सुन लेना, अनामलाई, अनामलाई टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई, पहले तो ये पढ़ लो। मतलब मैं यदि आपको मैप में ले जाऊं टाइगर रिजर्व को बताने तो भैया टाइगर रिजर्व के नाम पे एक मुदुमलाई, जो कि आपको याद रखना है, ये मुदुमलाई MUDU मुदुमलाई, और एक अनामलाई ANAMALAI। तो ये तो दो जो नेशनल पार्क थे वो खुद अपने आप में क्या बन गए, टाइगर रिजर्व बन गए। नए टाइगर रिजर्व सत्यमंगलम, सत्यमंगलम, जी हां सत्यमंगलम, सत्यमंगलम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये सत्यमंगलम को याद रखना। तो मुकुर्ति टाइगर रिजर्व को मत रखना, ठीक है, मुदुमलाई है, ठीक है, मुकुर्ति नहीं रहेगा। नेक्स्ट वन अन्नामलाई, समझ ही गए। अब ध्यान से सुनना, ये नया बना है। एक्चुअल में पेरियार ऑलरेडी टाइगर रिजर्व था, बोलो हाँ, याद करो, पेरियार टाइगर रिजर्व था और पहले से ही, पर वो कहां था, केरला में था। अब टाइगर को एक तरफ आप संरक्षित कर रहे हो एक राज्य में और दूसरी जगह नहीं होगा, तो गलत है ये तो उसी से रिलेटेड यहां पर दो अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी, उनको कनेक्ट करके एक साथ पूरा एक टाइगर रीजन बना दिया। मतलब मैं ये कह रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना, कि केरला के रीजन में पेरियार ऑलरेडी था सर, पेरियार ऑलरेडी था, और पेरियार के बाद में यहां पर तमिलनाडु में श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलई, श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलई, ये अलग अलग थे। देखो मेघामलई अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, श्रीविल्लीपुत्तूर ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, और ये पेरियार ऑलरेडी ये तो टाइगर रिजर्व था ही, तो इन दोनों को भी मिलाकर एक टाइगर रिजर्व बना दिया, मेघामलई श्रीविल्लीपुत्तूर। तो ये पूरा एरिया टाइगर के लिए संरक्षित हो गया। मतलब एक तरफ पहले से ही था और अब दूसरी तरफ भी बनाकर, मतलब मेघामलई और श्रीविल्लीपुत्तूर, कल को कोई पूछ ले कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है, तो मेरा आंसर तमिलनाडु हो जाना चाहिए। एग्जाम में क्यों आ गया सर, क्योंकि अभी टाइगर रिजर्व कुछ ही साल पहले बनाया गया, किससे, इसको बनाने से एक कॉम्बिनेशन में या कंबाइनली कौन सा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र कवर हो गए, पेरियार के। पेरियार कहां पर है सर, केरला में है, और श्रीविल्लीपुत्तूर और मेघामलई कोई पूछ लेगा तो कहां पर है, तो वो भी अपने को याद रखना है, तमिलनाडु में। तो मतलब श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलई टाइगर रिजर्व इज इन तमिलनाडु, ये अप्रूवल इसको मिल गया था। तो आप ओवरऑल ऊपर से नीचे तक पूरे टाइगर रिजर्व की लिस्ट बना सकते हो, कि सबसे पहले सत्यमंगलम देखूंगा सर मैं, तो सत्यमंगलम देखूंगा सर, उसके बाद में बोले सर मैं तो मुदुमलाई में आ जाऊंगा, मुदुमलाई में आ जाऊंगा, उसके बाद में बोले सर मैं तो अन्नामलाई में आ जाऊंगा, उसके बाद में श्रीविल्लीपुत्तूर, श्रीविल्लीपुत्तूर एंड मेघामलई में आ जाऊंगा, एंड लास्ट वन इज कलक्कड़ मुंदुथरई, कलक्कड़ मुंदनथुरई। तो ये नाम कंफ्यूजन कर जाएंगे, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है एस मास्क, याद रखिए एस मास्क, सारे के सारे टाइगर एक बार में, एंड एस मास्क। ये क्या बता दिया सर, कुछ नहीं, एस मतलब सत्यमंगलम, सत्यमंगलम, एम मतलब मुदुमलाई, ए मतलब अनामलाई, एस मतलब श्रीविल्लीपुत्तूर, के मतलब कलक्कड़ मुंदुथरई। सीक्वेंस भी कोई पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं। और इसमें जो वो समस्या जो थी ना कि और मेरे से तो तमिलनाडु के याद ही नहीं होते, कौन नॉर्थ में कौन साउथ में, एस मास्क करिए, आगे बढ़िए। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। पर हाँ एस मास्क के फुल फॉर्म मतलब एक दो बार तो पढ़ना पड़ेगा। सत्यमंगलम ही याद नहीं आ रहा भाई साहब, बैठे हैं देख रहे हैं ऐसे कि आप क्या होगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और कलक्कड़ मुंदुथरई याद नहीं हो, अच्छा ये भी पढ़ लेना कि तमिलनाडु में पढ़ा है अपन ने, ये भी एक बहुत बड़ा काम है जीवन का। हाँ तो अब आपको अच्छे से मैं क्लियर कर दिया हूं कि भैया ध्यान रखना, पढ़ते समय तो नेशनल पार्क हम लोगों ने गुइंडी भी पढ़ा था, बट नो टाइगर रिजर्व नहीं है, मुकुर्ति भी टाइगर रिजर्व नहीं है, और न ये गल्फ ऑफ मन्नार टाइगर रिजर्व, बाकी सारे के सारे टाइगर रिजर्व होंगे। दूसरी चीज आपको पता है, इधर वाले इस डायग्राम में दोनों बहुत पास में है, मुदुमलाई सत्यमंगलम ये नीलगिरी के पार्ट बन सकते हैं, लेकिन कल को कोई आपसे कह दे कि क्या कलक्कड़ मुंदुथरई, पेरियार, श्रीविल्लीपुत्तूर, अनामलाई क्या ये नीलगिरी के पार्ट होंगे, सब गलत बात है। मतलब आप ये एएस्क जो है, आस्क जो है, नीलगिरी में कैसे आ जाएगा, ऊपर वाले तो और एक बार आ भी सकते हैं, ये पास वाले हैं। मैप का बस यही फायदा है कि आपको चीजों को अननेसेसरी रटना नहीं पड़ता है। मतलब एक बार क्लैरिटी आ गई कि कौन सी चीज कहां पर है, कौन नॉर्थ कौन साउथ में कैसे क्या, तो चीजें आपको क्लियरली समझ में आ सकती है। मतलब आप खुद देखिए ना कि आपसे कोई ये नहीं कह सकता कलक्कड़ वगैरह जो है वो तो नीलगिरी में लगा दो, आपको खुद पता है यार नीलगिरी तो ऊपर था, ये और ये बहुत ज्यादा नीचे है, ठीक है। सो ये जो मेघामलई जो मैं बता रहा था आपको, मेघामलई जो है, नो डाउट मेघामलई जो है वो तमिलनाडु में, बट इट इज ऑल्सो नोन एज हाई वेवी माउंटेन्स। कल को कोई प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि हाई वेवी माउंटेन्स कौन से पर्वत को बोला जाता है, हाई वेवी माउंटेन्स, वेव, हाई वेवी माउंटेन्स मेघामलई को कहा जाता है कॉमनली, जिसको बिल्कुल कॉमनली नाम है तो अपने को तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। और मेघामलई जो है नो डाउट कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो बफर बनेगा किसके लिए बनेगा, तो पता है बता ही दिया मैंने, पड़ोसी वाला कौन है, पेरियार के लिए बनेगा, प्लस जो ग्रिजल्ड स्क्विरल जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके साथ रहेगा। नजदीक में कोई पालघाट गैप पूछ ले तो पलक्कड़ गैप याद है आपको, पलक्कड़ गैप पालघाट वाले रीजन, उसके बाद में बाकी ये पालघाट गैप, ये पालघाट नजदीक वाला कोई घाट भी पूछ ले तो याद रखना कोई पास है, मतलब गैप मतलब यहाँ पर पास के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैप एक बार समझ में आने के बाद ये कोई मतलब आसान बात है इतना। नाउ द नेक्स्ट वन इज मुकुर्थी नेशनल पार्क, जो कि टाइगर रिजर्व था क्या, नो तो इस चीज को ध्यान रखना है, इस क्षेत्र में भी नीलगिरी तहर अपने को मिल जाएगा, नीलगिरी तहर तो वहां मतलब नई चीज नहीं है ना ऐसी कि और नीलगिरी तहर क्यों मिल रहा है यहाँ पे, मतलब पढ़ा है ये आपने एराविकुलम वगैरह क्षेत्र में पढ़ा है। इनफैक्ट इस नेशनल पार्क को बनाया इसीलिए था कि नीलगिरी तहर का जो है वो प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है। इसके बाद में गल्फ ऑफ मन्नार में जो लिखना है, इनफैक्ट सबसे काम की चीज है, ये तमिलनाडु था सर, गल्फ ऑफ मन्नार यहां पढ़ा है हमने। इसमें अभी पानी के किनारे दिख रहा है, पानी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ कोई टाइगर तो तैरेगा नहीं, तैरेगा तो कौन, डुगोंग, डुगोंग, डुगोंग सी काऊ बोलते हैं इसको, डुगोंग इज ऑल्सो नोन एज सी काऊ, हर्बीवोर है ये, शाकाहारी, जी हाँ, वल्नरेबल है, बहुत काम की स्पीशीज है, याद रखना, मतलब आप कह सकते हैं कि फ्लैगशिप स्पीसीज है, जी हाँ, पताका प्रजाति, मतलब कोई क्षेत्र जिसके नाम से जाना जाए कि डुगोंग के लिए कौन फेमस है, जी हाँ, वैसे तो फ्लैगशिप। और की स्टोन वर्ड अलग होता है, कुंजी प्रजाति अलग चीज होती है, मतलब जिसके होने ना होने से काफी ज्यादा प्रभाव पड़ जाए पूरे इकोसिस्टम में, पूरी फूड चेन में। इट मींस दैट कि फ्लैगशिप वर्ड इज मोर, थोड़ा सा अवेयरनेस सेंट्रिक वर्ड है, जागरूकता फैलाने के लिए। और की स्टोन यदि देखेंगे तो आप उतना ही एनवायरमेंट इकोलॉजी में जा रहे हैं, मतलब उतना ही आप पर्यावरण के संबंध में बात कर रहे हैं। तो डुगोंग जो है बहुत फेमस है, इनफैक्ट और ज्यादा कहीं इधर उधर मत पढ़ना, कल को बहुत सवाल आते हैं कि डुगोंग का संबंध अन्नामलाई से है क्या, नीलगिरी से है क्या, नहीं, अब जमीन पे कहां तरवाओगे आप इसको, तो गल्फ ऑफ मन्नार में ले जाना। डुगोंग काफी वल्नरेबल मरीन मैमल है, फ्लैगशिप स्पीशीज है यहाँ पर, वल्नरेबल स्पीशीज। बाकी एशिया पैसिफिक बॉटल नोज डॉल्फिन है, नियर थ्रेटेंड, आप डॉल्फिन वगैरह तो मिल जाएंगे, बाकी इससे ज्यादा काम का डुगोंग आपको याद रखना है, ठीक है। गुइंडी नेशनल पार्क में ब्लैक बग भी मिलता है, इससे एक बात सीखनी है कि क्या ब्लैक बग सिर्फ गुजरात के क्षेत्रों में मिलेगा क्या, राजस्थान के क्षेत्रों में मिलेगा क्या, नहीं सर, पेनिनसुलर रीजन इसका हैबिटेट है, थोड़ा याद रखें, ठीक है, भूलना नहीं, मतलब ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप में। उसके बाद में ये गल्फ ऑफ मन्नार को आप पढ़ लीजिएगा, मुकुर्थी को पढ़ लेना, श्री विल्लीपुत्तूर मेघामलाई को याद कर लेना, और ये बेसिक है, मतलब टाइगर रिजर्व की लिस्ट जो है अपने को पता होनी चाहिए, मैंने एस मास्क से आपको बता दिया, ठीक है। तो ये टाइगर के साथ साथ जो है इसमें जो काम की चीज एक याद रखनी है ना, मतलब यदि आप मुझसे एक पूछोगे एक स्पीशीज कौन सी पढ़ लूँ यहाँ पे, डुगोंग को पढ़ लेना सर आप, मतलब बहुत बेसिक चीज है जो कि आपको याद रखना है, जी हाँ। इन्हीं रीजन में जो है कंजर्वेशन सेंटर भी उसका बना रहे थे। मुदुमलाई जो कि अपने आप में टाइगर रिजर्व भी है, ये दो किंग को पढ़ दो भैया, वाइट रम्ड वल्चर, जी हाँ, वल्चर्स, वल्चर्स और इंडियन वल्चर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, पढ़ना पड़ेगा इन दोनों को, हाँ, वाइट रम्ड वल्चर और इंडियन वल्चर। एक होमवर्क कर लेना सर, मन करे तो आप, भारत में कितने वल्चर्स हैं, कितने वल्चर्स मतलब कितने प्रकार के वल्चर्स हैं, 9 हैं कि 10 हैं कि 11 हैं कि 12 हैं, और उनमें से कौन कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन इंडेंजर्ड है, उसकी एक लिस्ट अलग से बना के रख लेना। मतलब ये ध्यान रखना है कि वल्चर एक दो नहीं है, अब बहुत सारी अलग अलग उसके जो है पैटर्न देखने को मिलेंगे, तो कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उसमें, कुछ इंडेंजर्ड वल्नरेबल भी हैं। तो मन करे तो कभी रिसर्च कर लेना, क्योंकि जिस दिन सवाल आ जाएगा उस दिन एहसास आएगा कि हाँ ये तो मैं काम कर सकता था कि भारत में पता तो हो कि कितने वल्चर्स हैं। तो व्हाइट रम्प्ड वल्चर और इंडियन वल्चर की कैटेगरी याद रखना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। वैसे वल्चर्स को एक बार मैंने ध्यान रखना, आप आंध्र प्रदेश वाले नोट्स चेक करिएगा, उसमें भी मैंने लिखवाया हुआ है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ कोई स्पीशीज की आवश्यकता नहीं है, बस ये नाम याद हो जाए वही बहुत है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स, निकोबार को मैंने थोड़ा क्या पास में ले आया हूं, है ना, ताकि ये दिख जाए हमने। पहला काम है इसको याद करने का। सैडल पीक का तो नाम बदल गया है, क्या नाम रख दिया था, माउंट मणिपुर, कि हैरियट का नाम रखा है, किसका नाम है, किसका नाम चेंज हुआ है, माउंट मणिपुर। माउंट मणिपुर किसका नाम चेंज हुआ है, आंसर बताओ भैया, देख रहा हूं मैं कमेंट में। जी हाँ, हैरियट का चेंज हुआ है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो एक चीज बहुत क्लियर है, सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये सबसे बेसिक चीज जो है, ये हैरियट यहाँ आने वाला है, इसके सामने अपन ने इसको बता दूँ, पहले हेडिंग बना लो आप लोग। तो सबसे पहले आपको नेशनल पार्क में सैडल पीक याद रखना पड़ेगा। सैडल पीक, ये वैसे भी अक्सर आप पढ़ते रहते हो, सैडल पीक नेशनल पार्क। सैडल पीक के बाद में बटन आइलैंड्स हैं, बटन आइलैंड नेशनल पार्क। बटन आइलैंड में नॉर्थ, मिडिल और साउथ, तो ऐसे चार हो गए टोटल, तीन बटन वाले और एक सैडल, सैड और बटन, ठीक है। तो याद रखना बटन आइलैंड्स, उसका नॉर्थ वाला, उसका मिडिल वाला और उसका साउथ वाला, ठीक। उसके बाद में नो डाउट आपको रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क याद रखना पड़ेगा। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद में माउंट हैरियट, जिनका नाम बदल चुका है, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क भी लिख सकते हो, या माउंट हैरियट नेशनल पार्क लिख लो। हैरियट, HARR हैरियट और IET है, ठीक है। हैरियट स्लैश करके इसका नाम माउंट मणिपुर, थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है इसीलिए थोड़ा सा नाम जो है इसका बदला है, जी हाँ। उसके बाद में महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, महात्मा गांधी। देखो रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, सुनना पहले अच्छे से ध्यान से। पहले सैडल वाली बात हो गई, सैड हो गए आप, सैडल पीक। उसके बाद बटन आइलैंड, बटन में नॉर्थ मिडिल साउथ, दो हिस्ट्री में मेन जिनको हम पढ़ते हैं, रानी झांसी, महात्मा गांधी, इतने कर लोगे। मणिपुर जो नाम चेंज हुआ है वो हैरियट का, तो हैरियट इसको साथ याद कर लेना, ठीक है। इतने तो नाम याद हो ही जाएंगे, और बचा क्या फिर, अब निकोबार है, ये ध्यान रखना निकोबार के हैं स्पेशली ये। अब निकोबार के पढ़ा रहा हूं मैं। निकोबार में एक कैंप लग गया है, कैंप बेल, कैम्बेल नेशनल पार्क, कैम्बेल बे और गलत, सब सही से याद करना, गलत मत कुछ याद करना, गलथिया नेशनल पार्क, गलथिया नेशनल पार्क। सो कैम्बेल बे और गलथिया, जी हाँ। सो कैम्बेल बे और गलथिया, इस चीज को याद रखना, कैम्बेल बे और गलथिया अंडमान में नहीं है, निकोबार में, निकोबार में, निकोबार में, अंडमान में नहीं है, निकोबार में रहेगा ये, ओके। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको अच्छे से एक बार पूरा रिवाइज करके देखते हैं, और यदि मान लो आपको खुद भी सेल्फ में रिवाइज करना हो तो कैसे करेंगे। सैड से याद आ जाएगा सैडल पीक, उसके बाद में बटन आइलैंड्स में आपको दो वर्ड याद रखने हैं, नॉर्थ वाला, साउथ वाला और मिडिल वाला। दो हिस्ट्री में कौन पढ़ते हो आप, रानी झांसी पढ़ लेना, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, नाम किसका चेंज हुआ है, हैरियट नेशनल पार्क, माउंट मणिपुर, और निकोबार में कैंपबेल बे और गलथिया, गलथिया नेशनल पार्क। निकोबार का है ये, गलत कुछ नहीं पढ़ना, ठीक, गलथिया नेशनल पार्क। सो ये अपने को थोड़े से याद रखना है। एटलीस्ट नेशनल पार्क्स के नाम तो कम से कम अंडमान निकोबार के याद हो जाएं। टाइगर रिजर्व की कोई स्थिति ऐसी देखने को मिलती नहीं है। तो ये कुछ नॉर्थ से लगा के साउथ तक के सारे नेशनल पार्क थे। ये आपको हमेशा काम आएंगे, आप जब भी रिवीजन करेंगे। बस थोड़ा सा नोट्स आपको और अपडेटेड करता रहना होगा। यदि आपने पूरी सीरीज पढ़ ली होगी, कोई लर्नर पहली बार आया हो देख रहा हो तो भैया इसके पहले टोटल इस पर मैंने 7 लेसन मतलब बना चुका हूँ, मतलब टोटल ये 8 हैं, इसको मिलाकर काफ़ी कुछ पढ़ाया है। आराम से आप देखिएगा, सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और भी बाकी चीज़ें आप पढ़ोगे, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह, तो और भी क्लियर आसान हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में अनअकैडमी पर आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और जब भी सब्सक्रिप्शन लें यू कैन यूज़ द कोड। मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो SGYT लाइव, ये SGYT लाइव जो है आपको ये सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी में डायरेक्ट डिस्काउंट दिला देगा। और ये 20% ऑफ चल रहा है इस समय 14 to 16 मार्च। और टेस्ट सीरीज में भी ये कोड जो है लागू हो सकता है। ये टेस्ट सीरीज 6 मंथ और 12 मंथ में आपको टेस्ट मिल जाते हैं इतने, जहां पर आप लोग अपनी प्रैक्टिस को बेहतर लेवल पे ले जा सकते हैं। प्लस में उसके साथ ही इंक्लूड रहेगा। साथ में नए बैच जो है वो आज से प्रारंभ हो रहे हैं 16 मार्च, यानी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी पूरी कर सकते हैं। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं यू कैन यूज द कोड SGYT लाइव। कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन की हुई है टेलीग्राम की, उसको ज्वाइन कर लेना। आने वाली सारी क्लासेस की अपडेट वहां मिल जाएंगी आपको। इसका एक कंबाइंड पीडीएफ बना के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा उसी पर। ठीक है, और थोड़ा सा इसको पढ़ते रहना क्योंकि बहुत जल्दी शाम को 7 बजे मैं स्पेशल क्लास में इसके प्रैक्टिस सेशन शुरू करने वाला हूँ। मतलब पोलिंग की मदद से हम लोग इनको याद भी करना है अभी हमें। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप थोड़ा प्रैक्टिस करके रखना। होली के बाद में सेशन जो है नेशनल पार्क का वहाँ रख लूँगा, 1-2 दिन पहले और एक बार अनाउंस कर दूंगा ताकि आप प्रॉपर तैयारी से आएँ, है ना। सो थैंक यू सो मच, और शेयर कर सकते हैं आप। और कोई भी लर्नर नेशनल पार्क वगैरह पूछे तो यू कैन रिकमेंड। थैंक यू।